आप लोग जो है प्राउड हो जाते हो, बैठते खाते आप लोग कार में बैठ गए। रेलवे स्टेशन से देहरादून बस स्टैंड से मेरी गाड़ी के दो एक्शन थे बड़े हैवी हैवी। मैं मीनाक्षी चौक से खड़ा हुआ, वहाँ खाली रिक्शा आ रहे हैं उधर से बैटरी के। मैंने एक से पूछा भैया नौबट्टी चलोगे, उसने मैं इतना वैसे जगह जैसे मैंने उसके गुर्दे मांग लिए दोनों। वो कह रहा ना चलो कोई बात नहीं। दूसरा रिक्शा आया खाली, उसने पूछा भैया नौबट्टी चौक चलोगे, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उसने। ये बैटरी वाले को बता रहा हूँ, तुम्हारी सबकी बता रहा हूँ मैं। तीसरा आया वो भी खाली। मैंने कहा भैया नौबट्टी चलो ना जी। मैंने कहा भैया खाली लिए फिर होगा क्या? तो कहा हाँ खाली। ये कहा एक बात और बताऊँ, मैं एक बात और बताऊँ, बुरा मानी हूँ सामानी अच्छा नहीं होता करना। वो अगर कोई पैदल जा रहा है ना या औरत जा रही है, वो पूछ करे हाँ जी कहाँ जा रहे हो, बैठ कहीं जाना है। बैठ रिक्शा वाला धंधा से थोड़ा चले जाएंगे, कोई मरा भी पड़ा ना पूछने के लिए। होना चाहिए आजकल का जो बिजनेस है ना, वो ये है कि सामने वाले की हेल्प करो तो हमारी हेल्प हो जाएगी। हम बिजनेस ढूंढेंगे ना तो बिजनेस नहीं मिलेगा। हेल्प ढूंढो, लोगों की हेल्प करो, बिजनेस अपने आप मिल जाएगा। सर गाड़ी खाली जाने जाओगे थोड़ा बताया ना बेटा भाई। बैठ जाओ, बैठते और ये कह रहा दोस्त, ये कह रहा मेरी तौहीन हुई भाई। आज तुम्हारा जवाब देगा आज किस कारण से गई भाई? ये बस की क्यों चली भाई? तो बवाल जो हुआ, ये बवाल पड़ा ना, आप देख रहे हो बवाल। ये तो सारे सहारनपुर में आज ऐसा इधर इशू है ना, कोई आज VIP किसी का वो है आना। ये जुमले पे एक चुटकुला सुबह का इंसान का लालच। मैं सुबह उतरा, मैं दफ्तर को लेट हो रहा था, मैंने रिक्शा को पकड़ा। भाई स्टेशन छोड़ देना, मैं बड़े मधुर स्वर में कहा कि 20 रुपये सवारी लूँगा। बैठ गया उसमें, उसने रिक्शा घुमाया। रिक्शा घुमाने के बाद मैंने उससे कहा भाई तुम सवारी भी बिठा लेना, तुम्हें 30 रुपये दूंगा, तुम चलते रहो। लेकिन उसके मन का लालच एकदम जा गया, बोला 50 रुपये लूँगा मैं। वहाँ के टाइम मत खराब कर, टाइम मत खराब कर, पीछे करो, पीछे करो, पीछे कर दूँगा, पीछे कर दूँगा, गाड़ियाँ नीचे आ गई, पीछे कर दूँगा गाड़ी का। मैं याद कर गाड़ी निकालने का साइड पे चला रहा हूँ। चल चल 50 रुपये लूँगा, चल आ गया लालच। बस आपने तो कहा क्या अकेला चलूँगा, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा 30 दूंगा, चलता रहे, मगर सवारी मिल गई बिठा ली। उतर गया भैया, ऑटो मिल गया 20 रुपये से। उन्होंने ये नहीं पता अगर हमारी किलो में ऊपर से 500 रुपये निकलना चाहिए, जितने घटे वाले 500 है और 500 और इसके जरूर कोई चीज़ नहीं लगता हमारी। बड़ा तिरंगा लगा रखा है। कौन सा चौक है? जनकपुरी चौक। जनकपुरी, जनकपुरी चौक। यहाँ पीछे पार्क है क्या? गोल्फ अच्छा अच्छा। आर्मी का है, आर्मी का। घोड़े के ऊपर जो खेलते हैं पत्थर है। काफ़ी हरियाली है, नज़ार भी है। अच्छा ये आगे तक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी हरियाली है। ट्रेनिंग का है हाँ। रिमोट ट्रेनिंग शूट स्कूल एंड डिपो सहारनपुर। देहरादून वीडियो का यहीं तक करते हैं।